बच्चे को क्या हो गया मेरे? पेट दर्द हो रहा हूँ। क्यों पेट दर्द हो रहा? क्या क्यों मेरे बच्चे को क्या हो गया? हाँ पीरियड्स आ गए। चलो ठीक है, मैं कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। पानी पियोगे? रुको तो एक सेकंड, मैं पानी लेके आता हूँ। ये लो पानी पी लो, उठ जाओ आराम से, अच्छे से पी लो। ठीक है, पेट दुख रहा है? कुछ नहीं, टेंशन मत लो, आज तुमको कुछ भी नहीं करना है, आज सिर्फ तुमको रेस्ट करना है। ठीक है, आज रेस्ट करना है। ओके, आज घर का सारा काम जो भी रहेगा ना, वो सारा काम मैं कर लूंगा। ठीक है ना, अच्छे से सिर्फ तुमको रेस्ट करना है आज पूरे दिन। ठीक है, अच्छे चलो सो जाओ, आराम कर लो तुम। ठीक है, रेस्ट करो।
कैसा है पेट दर्द? थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? पक्का? पेन किलर लेना पड़ेगा। ऐसा? पेन किलर से अच्छा है मैंने चावल बना दिया तुम्हारे लिए। अच्छे से खाना खाओ। ठीक है, वाले बनाए ना खिचड़ी जैसे। अच्छे से खाना खा लो और खाना खाने के बाद में आराम करना है, ठीक है? ध्यान रखो अपना, ठीक है? ठीक। गाइस, मेरे हस्बैंड ने मेरा खाना रेडी कर चुके हैं, देख सकते हो उन्होंने क्या बनाया है। और खुशबू तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और खाने में भी टेस्टी लग रहा है। देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगता है। और आप मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो गई है। अभी भी घर में खाना वगैरह लगा रहे हैं और मैं खा कर टेस्ट करके बताऊँगी कैसा है। दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखो। अब पता नहीं गाइस खाने में कैसा होगा, मुझे नहीं पता है अभी। अब टेस्ट करके देखो। दिल से बता रहा, देखो झूठ मत बोल। ये नंबर बहुत टेस्टी है। सच में? बस सच में? सच में टेस्टी में थोड़ा सा नमक कम, स्पाइस और तीन थी। केचप? लाल। बस नमक नहीं है। नमक कम है? नमक लेके आता हूँ। बर्तन वगैरह सब साफ़ करके रख दिए गए हैं। अब तुमको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कुछ भी नहीं करना है तुमको, ठीक है? बस क्या करना है, रेस्ट करना है, ठीक है? खांसी हो रही, सर दुख रहा? चलो मैं एक काम करता हूँ, तुमको विक्स लगा देता हूँ, ठीक है? लगा देता हूँ तुमको।
सो हे गाइस, इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारा यही था कि लोगों में जागरूकता आए। और आपको पता है कि एक लड़की को जब पीरियड्स आते हैं तो किसी किस टाइप की सिचुएशन में रहती है, और बहुत उसका पेट दर्द होता है, बहुत आप लोगों को पता ही होगा। और नहीं पता तो लोगों को जानना चाहिए इस बारे में कि जब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गाइस, जो पीरियड्स होता है वो तो एक नॉर्मल बात है, आप सभी को सबको पता ही होगा। हर एक लड़की सिचुएशन से निकलती है, गांव की लड़की देख लो या सिटी की कुछ लड़कियां को देख लो आप, इस चीज़ों से आप शर्माती है, मेडिकल में जाने से शर्माती है, पैड लेने से शर्माती है, बिंदास लो लो, ये तो सब नॉर्मल बात है। हर एक लड़की सिचुएशन से गुजरती है, आप लोगों को पता ही होगा, हर लड़की को आता है पीरियड्स। एंड गाइस, कुछ लड़कियाँ ऐसी रहती है जो किचन में ही काम करती रहती है, किचन में ही सब उनको वीकनेस होती है, फिर भी किचन में काम करती रहती है, किसी को शेयर नहीं कर पाती कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ये हो रहा है, कुछ बता नहीं पाती। ये जागरूकता की बात है, जागरूकता बनो और सबके साथ शेयर करो, अपने फैमिली के साथ तो बिल्कुल शेयर करो कि मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मेरा हाथ पैर दुख रहे हैं, जो भी हो रहा है वो शेयर करो, शर्माने वाली बिल्कुल बात नहीं है गाइस। और कुछ कुछ लड़कियाँ बाहर जाती है तो वो बाहर जाने के बाद अचानक पेड़ आ जाते हैं, आ जाते हैं अचानक पेरेंट्स, तो किसी को बताने से भी डरती है, शर्माती है, ये कोई बात नहीं हुई गाइस। तो यही हमारा टॉपिक था, अवेयरनेस था कि आप लोगों को जागरूकता करने का। सो गाइज, और मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, जो भी हस्बैंड है वो अपने वाइफ की फीलिंग्स को समझे कि अगर उनका पेट दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि यार ठीक है, मेरा हस्बैंड मेरे लिए इतना सपोर्टिव है। आज जैसे कि मैं महक के लिए इतना सपोर्ट कर रहा हूँ कि यार ठीक है, उसको अभी इतना दर्द हो रहा है, परेशानी है, तो ऑब्वियसली यार मैं खड़ा रहूँगा उसके साथ में, और कौन खड़ा रहेगा। तो आप लोगों को इतना तो समझ आना चाहिए कि यार अगर आपकी वाइफ को तकलीफ है या किसी को भी ऐसी तकलीफ होती है आपके घर में, तो उसके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ जो भी आपसे होता है वो हेल्प करने की कोशिश करें, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा, जो 4-5-6 दिन का जो टाइम रहता है तो उनको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए उस टाइम। क्योंकि आप लोग तो चलो ठीक है, आप जॉब करते हो या कुछ भी, तो आपको हफ्ते में एक छुट्टी तो मिल ही जाती है, लेकिन उनके लिए क्या, उनके लिए तो कोई छुट्टी नहीं, बस 12 महीने मतलब लगातार कोई सा भी त्यौहार हो या फेस्टिवल हो गया, सब काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है। तो सोचिए आप, तो थोड़ा सा ध्यान उनके लिए भी रखिए आप। जब उनका ऐसा टाइम आता है तो अगर उनकी मतलब दर्द होता है ज़्यादा, तो आप उनका ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही उनके लिए सब कुछ है, तो आप उनका ज़रूर ख्याल रखिए गाइस। सो यही हमारा टॉपिक था आज का। सो गाइस, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान अपना ध्यान रखिएगा। रखिएगा।